दोस्तों, ये तो आपने सुना ही होगा कि नारायण नाम लेने से व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं, लेकिन एक बार श्री हरि का नाम सुनने से सभी प्राणियों की मृत्यु होने लगी, है ना ये चौंका देने वाली बात। पर अब आप सोच रहे होंगे कि भला ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य है। एक प्रचलित कथा के अनुसार एक बार नारद जी विष्णु जी से मिलने बैकुंठ गए। वहाँ उन्होंने प्रभु को प्रणाम किया और फिर उनसे बात करने लगे। बात ही बातों में वो विष्णु जी से एक सवाल पूछ बैठे। उन्होंने कहा, प्रभु ये बताइए कि श्री हरि का नाम लेने से आखिर क्या होता है। प्रभु नारद जी की इस बात को अच्छी तरह समझ चुके थे, लेकिन उन्होंने उस वक्त कुछ नहीं कहा। कुछ देर सोचने के बाद भगवान विष्णु नारद जी से बोले, नारद जी ये बात पता करने के लिए आपको धरती पर जाना होगा। नारद जी तुरंत मान गए और उनसे पूछा, लेकिन प्रभु मुझे धरती पर जाकर क्या करना होगा। विष्णु जी ने कहा, आप धरती पर जाइए और किसी कीड़े को श्री हरि नाम सुनाइए। नारद जी तुरंत धरती लोक पर गए और एक कीड़े को हरि नाम सुनाने लगे। इतना करते ही वो कीड़ा मर गया। नारद जी चौंक गए और दौड़े दौड़े भगवान विष्णु के पास आए और सारी बात उन्हें बताई। नारायण बोले, ऐसा करिए, अब आप एक किसी चिड़िया को सुनाइए ये नाम। नारद जी चिड़िया के पास गए और चिड़िया के साथ भी यही हुआ। श्री हरि का नाम सुनते ही वो चिड़िया भी मर गई। अब नारद जी परेशान हो गए। वो नारायण के पास गए और उन्हें सारी घटना बताई। विष्णु जी ने कहा, नारद जी अब आप हिरण के बच्चे को श्री हरि का नाम सुनाइए। नारद जी के कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन प्रभु की आज्ञा को कैसे मना करते। बिना कुछ बोले वो हिरण के बच्चे के पास गए और उसे श्री हरि का नाम सुनाने लगे, लेकिन कुछ ही देर में हिरण के बच्चे की भी मृत्यु हो गई। अब तो मानो नारद जी के पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो। वो विष्णु जी से बोले, प्रभु मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो लोगों का आप पर से विश्वास ही उठ जाएगा। नारायण बोले, अब आप गाय के बछड़े को जाकर हरि का नाम सुनाएं। डरते डरते नारद जी गाय के बछड़े के पास गए और उसे भी श्री हरि का नाम सुनाना शुरू कर दिया। नाम सुनते ही गाय का बछड़ा मृत्यु को प्यारा हो गया। नारद जी विष्णु जी के पास गए और बोले, प्रभु मुझे नहीं जाननी है इस नाम की महिमा। मेरे इस सवाल की वजह से न जाने कितने पशुओं की मृत्यु हो चुकी है। भगवान ने नारद जी को समझाया और उनसे कहा, अच्छा अब आप किसी मनुष्य को सुनाइए ये नाम। काशी नरेश के यहाँ अभी अभी एक पुत्र हुआ है, आप उसे जाकर सुनाइए मेरा ये नाम। नारद जी उदास मन के साथ गए और उस छोटे से बच्चे के कान में जाकर श्री हरि का नाम कहने लगे। कुछ ही देर में वो बालक बोल पड़ा। लेकिन उससे पहले, अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो आइए कहानी में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, कुछ ही देर में वो बालक बोल पड़ा। उसने नारद जी को प्रणाम किया और उन्हें धन्यवाद कहा। नारद जी को कुछ भी समझ नहीं आया। तब उस बालक ने उन्हें बताया, प्रभु मैं ही वो कीड़ा हूँ जिसे आपने सबसे पहले श्री हरि का नाम सुनाया था। इसके बाद मैं चिड़िया बना, फिर हिरण का बच्चा और फिर गाय का बच्चा। आपके हरि वचन सुनकर ही मुझे मनुष्य योनि में जन्म मिला, इसलिए मैं आपका जितना भी धन्यवाद करूं उतना ही कम है। अब तक नारद जी को सारी बात समझ आ चुकी थी। उन्होंने उस बालक को आशीर्वाद दिया और सीधे भगवान विष्णु के पास जाकर उनके चरण पकड़ लिए। इसके बाद उनसे माफी मांगते हुए बोले, प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी लीला नहीं समझ पाया। आज मुझे पता चल गया कि इस नाम में कितनी ताकत है। ये नाम सुनने या फिर कहने से मनुष्य को न सिर्फ पापों से मुक्ति मिलती है, बल्कि तरह तरह के योनियों से भी छुटकारा मिलता है। उस आत्मा को मनुष्य योनि में जन्म मिल जाता है, जिसमें वो श्री हरि का नाम लेकर और अच्छे कर्म करके जीवन मरण के चक्र से मुक्ति पा सकता है। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा लीजिएगा, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय सनातन, सर्वो सनातन।